अशर अरे तू कैसा यार? ठीक ठाक, तू बता। बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, मेरे ख्याल में 7-8 साल तो हो गए। हाँ, इतने तो हो ही गए। मैं कल ही कराची से आया हूँ ऑफिस से, काम से। देखा आज तुझसे मुलाकात होगी। यार ये तो बेस्ट हो गया। याद है यूनिवर्सिटी में पैसे तो होते नहीं थे। सही बात, ढाबों से खाना खाते थे। लेकिन देख आज तू बड़ा आदमी बन गया। यार अब आगे तो कुछ खा के चलते हैं ना। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। तुम खा लो, तुम्हें खाना है। नहीं, मुझे तुम्हारे बगैर नहीं खाना। अरे बाबा, आज बड़े दिनों बाद आपने कमरे में चक्कर लगाया। हाँ, मैंने सोचा कि आज मैं अपने बेटे से जाके ना कुछ गपशप कर लूं। गपशप? बाबा ऑफिस आज में आज तक आप गपशप करने मेरे कमरे में नहीं है। ये कोई खास वजह जो आपको यहाँ खींच लाई है? अहमद, आज तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ, वरना मैं और इशरत बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। फिक्रमंद क्यों रहते थे? इसलिए कि मैं और इशरत नोट कर रहे हैं कि तुम आशी को ठीक ठाक इग्नोर कर रहे हो और शादी के इंतजामात में भी तुम्हारी दिलचस्पी बिल्कुल जीरो है। पता नहीं आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी। आप जानते हैं कि मैं आज भी शादी के लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं हूं। अहमद, ये क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? सारी बात को लेकर तुम यहां तक पहुंचे हो और अब तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है शादी में? व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। सोबिया, कल तो मेहमर को कॉल कर रही थी। इशरत आपा का मुझे फोन आया था बताने के लिए। हाँ मम्मी, मैंने अहमर को थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। वो मुझे टाइम पर हॉस्पिटल ले गया था। क्या जरूरत थी तुम्हें थैंक्स करने की? इशरत आपा इसका गलत मतलब ले रही हैं। उन्हें लग रहा है कि तुम दोबारा से अहमर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हो। देखो सोबिया, अब ऐसी वैसी कोई बात ना करना जिसकी वजह से मुझे और तुम्हारे बाबा को शर्मिंदगी उठानी पड़े। मम्मी क्या हो गया इशरत खाला को? अहमद मेरा कजन भी तो है। क्या चाहती हैं वो कि सारे रिश्ते खत्म हो जाएं? तुम्हें कजन की पड़ी है? यहाँ हम बहनों में दूरियां हो रही हैं और ऊपर से हमारे शौहर अपनी अना को लेकर मजीद तलखियां पैदा कर रहे हैं। तो खत्म कर देना ये तलखियां। सब कुछ क्यों पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे डैडी तुम्हारा फंक्शन अरेंज कर रहे हैं और तुम ऐसे कह रही हो? मम्मी प्लीज डैडी से कह दे, किसी फंक्शन की जरूरत नहीं है। और वहां जो जोरों शोर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। भूल जा।